बीजेपी की राजस्थान कोर कमेटी की बैठक आज शाम 6 बजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कल से शुरू हो रहे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के चिंतन बैठक की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। 19 से 21 मई तक जयपुर में होने वाले 3 दिन के चिंतन में राजस्थान के बीजेपी नेताओं को विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के टास्क दिए जाएंगे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर के 150 बीजेपी नेता राजस्थान में 3 दिन कैंप करेंगे। इस दौरान संगठन के आगामी कार्यक्रमों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्दे और प्रदेश के हालातों पर पूरी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को दी जानी है। इसके साथ ही अरुण सिंह और पूर्णिया राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर नेताओं की अलग से बैठक भी लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 20 मई को है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित करेंगे। कोर कमेटी की बैठक से पहले आज शाम को अरुण सिंह प्रेसवार्ता कर कार्यक्रम को जानकारी देंगे। जी हाँ, आपको बता दें 20 मई को केंद्र के तय एजेंडा के मुताबिक सुबह से शाम तक बैठकें होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी 20 मई को वर्चुअली राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कार्यक्रम स्थल पर संबोधन देंगे। इसके बाद नड्डा 20 मई की शाम को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की स्मृति में प्रकाशित स्मारिका का विमोचन करेंगे और इंटेलेक्चुअल से संवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।